हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कच्चे पपीते की हलवा की टेस्टी एंड हेल्दी रेसिपी। ये बहुत ही खाने में स्वादिष्ट लगता है और बनाना भी बहुत आसान है। ऐसे तो कच्चे पपीते की हलवा कई तरीके से बनाए जाते हैं, लेकिन आज मैं बहुत ही सरल तरीके से बनाऊंगी, तो आइए बनाना हम शुरू करते हैं। ये मैंने कच्चा पपीता लिया है, इसे मैं अच्छी तरह से पहले इसके छिलके को उतार लूंगी। पपीते को छीलते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि इसे हम पतला छिलका ना छीलेंगे, नहीं तो इसकी जो ग्रीन पार्ट होती है वो उसमें थोड़ी करवाहट होती है, तो हमें इसे अच्छी तरह से छील लेना चाहिए कि कहीं भी उसका ग्रीन वाला भाग रह ना जाए। तो छीलने के बाद हम इसे पहले अच्छी तरह से धो लेंगे और उसके बाद इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। ऐसे तो कच्चे पपीते के हलवा हम ग्रेट करके बनाते हैं, लेकिन आज हम इसे अलग तरीके से बनाएंगे और ये भी बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार होता है। तो इसे हम सबसे पहले इस तरह से टुकड़े को काट लेंगे और इसके सारे बीज निकाल देंगे और इसे हम बहुत ही बारीक छोटे छोटे टुकड़े काट लेंगे। तो मैंने सभी पपीते को छील के सभी बीजों को काट के हटा दिया है। अब इसे मैं सब्जी जिस तरह से आप सब्जी के छोटे छोटे टुकड़े काटते हैं, इस तरह से काट लें। पपीते का हलवा व्रत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ये पचने में भी बहुत ही हल्का होता है और हेल्दी भी होता है और मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। कच्चा पपीता से बहुत सारी चीजें बनती हैं, सब्जी है, हलवा है, रायता, अचार, कुछ भी आप इसे बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने सारे पपीते को काट के तैयार कर लिया है। अब मैं इसे कुकर में डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के कुकर में एक या दो सीटी आने तक सीटी लगा लेंगे। तो मैंने कुकर को बंद करके इसमें दो सीटी लगा लिया है। अब इसे गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। कुकर अब ठंडी हो गई है, तो अब हम पपीते को एक स्ट्रेनर पर निकाल लेंगे, जिससे कि इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी होगी वो नीचे निकल जाएगी। अब हम गैस पे एक कढ़ाई गरम करेंगे। कढ़ाई में हम 4 बड़े चम्मच घी डालेंगे। पपीते के हलवा में घी की मात्रा थोड़ी अच्छे से देने से इसकी टेस्ट बहुत उभर के आती है, जो कि बिल्कुल खाने में एक किसी मिठाई की तरह से कम नहीं लगती है। तो हम इसमें ऐसे अपने स्वाद के अनुसार हम थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। घी गर्म हो गई है, तो इसमें हम पपीते को डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरह से इसमें भूनेंगे और इसे चलाते हुए हल्का हल्का इसे मैसी भी करते जाएंगे, जिससे कि पूरे पपीते सब आपस में एक मिक्सचर के तरह तैयार हो जाए। इसे भूनने में लगभग 4 से 5 मिनट लग जाती है, इसलिए कि इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी होती है उसे हमें भूनते हुए ही सुखाना होता है। तो देखिए, हमारी पपीता लगभग भून के तैयार हो गई है। इसे हम हल्का और भूनेंगे। तो भूनते हुए 4 से 5 मिनट हो गया है, देखिए इसका गीलापन खत्म होने लगा है। तो अब मैं इसमें चीनी डाल दूंगी। मैंने हाफ कप चीनी डाला है। आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं। और इसमें थोड़े से मैं ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, ड्राई फ्रूट्स भी आप अपने पसंद के अनुसार डालें और इसे थोड़ा 1-2 मिनट और भून लें। पपीते का हलवा बहुत ही लाजवाब लगता है खाने में। व्रत में तो हम लोग खाते ही हैं, लेकिन आप इसे ऐसे भी कभी भी बना के आप इसे खा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। गैस ऑफ करने से पहले हम इसमें 1-2 चम्मच घी और डाल देंगे और इसे थोड़ा सा और भून लेंगे, जिससे कि इसकी स्वाद और लाजवाब हो जाती है। तो हमारी पपीते की हलवा बनके तैयार है। आप इसे जरूर ट्राई करेंगे, आपको बहुत पसंद आएगी। और आप एक बार बना के रखेंगे तो कम से कम 4 से 5 दिन तक आप इसे फ्रिज में रख के आराम से खा सकते हैं। रोज रोज बनाने की कोई परेशानी नहीं है।
तो देखिए हमारी पपीते की हलवा तैयार है, आपको बहुत पसंद आएगी, आप इसे इस व्रत में जरूर ट्राई करेंगे। और कैसी लगी हमारी आज की ये रेसिपी आप हमें कमेंट करके भी बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को दबाना ना भूलें। हम फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।